आज शीघ्र खत्म कर, अभी एक प्रोग्राम में जाएंगे, पर जल्दी से आते हैं। मैं 5-10 मिनट का खत्म करता हूँ, माँ बता रहे हैं कि ये सत्तासुर कौन था। यह सत्तासुर
कौन तीन महीने के थे? कृष्ण जब कृष्ण 3 महीने के थे तो उस समय उन्होंने करवट लिया, तो ब्रज में लीला है, मतलब कि उस समय ये था कि बच्चा जब भी कुछ नया कार्य करता था तो उस समय वहाँ पर उत्सव होता था। जैसे भगवान ने कभी कुछ किया उसके लिए उत्सव हुआ, भगवान ने माखन चोरी, जैसे अभी भगवान छोटे थे तो करवट लेने लग रहे थे, तो 3 महीने बाद जब भगवान ने करवट ली तो माता यशोदा ने उसके लिए उत्सव किया और सभी अपने ब्रजवासियों को बुलाकर और कहा कि हम सब उत्सव करेंगे और भगवान के कीर्तन का सुमरण करेंगे। तो माता यशोदा का जो आंगन था वह बहुत बड़ा था, तो उन्होंने कृष्ण को ये अपने आंगन के एक कोने में एक सकट के नीचे लेटा दिया, वहाँ पर सकट के नीचे लेटा, क्योंकि जो ब्रजवासी है वे सकट को अपना वो मानते हैं, पूजने मानते हैं, क्योंकि उसी में ही वे बैठकर इधर उधर जाते हैं तथा उसी में अपना दूध दही धोते हैं तथा वही उनके आने जाने का एक मेन साधन होता है, वे उसको पूजते हैं। तो उन्होंने एक सकट के नीचे उसको लेटा दिया, उसको दूधपान दे, उसको उस दिन उन्होंने अभिषेक कराया, मिला दुलाया। बताते हैं गुरुदेव कि जब बच्चे को सुबह आप स्नान ध्यान करा दोगे और उसको दूध पिला कर दोगे तो बच्चा सुबह सुबह नींद आती है, तो उस समय ठाकुर जी को नींद आई और उन्होंने अपने आंगन में एक कोने में सकट के नीचे ठाकुर जी को लेटा दिया और अपने आप सभी ब्रजवासियों के साथ गोपियों के साथ बीच में आंगन के बीच में नृत्य कीर्तन करने लगे। जब वे जोर जोर से नृत्य कीर्तन करने लगे तो उधर ठाकुर जी की नींद को खुल गई कि ये मेरा ही कीर्तन कर रहे हैं और मुझे ही दूर रख रहे हैं, तो उनको बहुत गुस्सा आया और वे जोर जोर से रोने लगे, वे बहुत जोर जोर से रोए, तो उनकी आवाज़ जब भी माता यशोदा के पास नहीं पहुँची। वे कहने लगे भाई अब तो कोई फायदा नहीं, मतलब रो रो कर थक भी गया और मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं। कि कहते हैं जो विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, तो यहाँ पर कहा गया कि ब्रज में उनका बिल्कुल भी ऐश्वर्य नहीं चलता कि जो अपने भ्रकुटी माला से इस ब्रह्मांड का विनाश और सर्जन करने वाले हैं, उनके रोने से माता यशोदा को आवाज़ नहीं सुन रही। यहाँ पर ही भगवान की बहुत सुंदर बाल्य लीला हो रही है जी हो रहे हैं। तो यहाँ पर फिर जब भगवान की इच्छा हुई कि अब ये मैं इस सकट को अपने ठोकर से मारकर ऐसे गिरा दूंगा कि इन सबको एकदम आभास होगा कि मैं भी यहाँ बैठा हूँ, तो जैसे ही भगवान के मन में इच्छा हुई तो जो भगवान की इच्छा शक्ति है योग माया, उन्होंने तुरंत कंस को प्रेरणा दी कि ऐसे वो अपने एक असुर को भेजे और वो कृष्ण का वध किए, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। तो उस समय ही सत्तासुर वहाँ पर आ गया, सत्तासुर देख कर ही भगवान कहने लगे आज तो वही मामा आ गया, मेरा काम बन गया, क्योंकि जो कृष्ण के कंस के सभी संबंधी थे वे सभी मामा लगते थे। वो सत्तासुर आ गया, देखने लगा कि वो बालक कहाँ पे है जिससे कंस भयभीत थे, तो उन्होंने देखा कि वो एक सकट के नीचे लेटा हुआ है, सकट के नीचे लेटा हुआ कि मैं इसको इस तरह से धीरे धीरे दबाऊंगा कि ये भी इसी के नीचे दबकर मर जाएगा। जब वह सकट को सत्तासुर धीरे धीरे नीचे दबाने लगा तो भगवान भी बच्चे की तरह जैसे बच्चे पैर चलाते हैं ऐसे अपने हल्के हल्के पैर चलाने लगे और ऐसे पैर चलाते चलाते हल्का सा पैर उस सकट को टच हो गया, और जैसे ही उस पैर सकट को टच हुआ वह सकट बहुत ही आवाज तेज करता हुआ धड़ाम से वहां पर पलट गया और जितना भी उसके अंदर सभी दूध दही माखन रखा था वह सब वहां पर बिखर गया और वो सत्तासुर बहुत दूर जाकर गिरा और जिससे उसकी मृत्यु हो गई, यहाँ पर उसका उद्धार हो गया। बता देंगे हमें सत्तासुर क्यों आया, क्योंकि उसको शराब मिला हुआ था कि यह सत्तासुर पूर्व जन्म में हिन्यास का पुत्र था। एक दिन वह लोमस ऋषि के बाग में घुस गया, बाग में घुसने के बाद वहाँ पर उसने सभी तरह तरह मचा दी, तो वहाँ पर ऋषि ने कहा कि तुझे अपने इस शरीर का बहुत बड़ा अभिमान है, जा मैं तुझे शराब देता हूँ कि तेरा ये शरीर ही ना रहे। तो जब उसे ये शराब मिला तो वह बहुत घबरा गया और उसने जब भी लोमस ऋषि से प्रार्थना की कि आप मुझे क्षमा दे ऋषि, तो आप तो दयावान कृपालु होते हैं, तो ऋषि तो कृपालु होते हैं, उन्होंने उसकी प्रार्थना से संतुष्ट होकर उसको फिर पुनः आशीर्वाद दिया कि द्वापर युग में जब कृष्ण अवतरित होंगे उन्हीं के ही द्वारा तेरा उद्धार होगा। तो यह सत्तासुर वह था कि जिसका
सारा कार्य करता था पर इसका शरीर नहीं दिखाई देता था जब कृष्ण की इच्छा होती है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर दो तीन कारण बताते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। कि यहाँ पर भगवान सबसे पहले बता रहे हैं कि वे ही परम कृष्ण है, जैसे उन्होंने सबसे पहले पूतना को मारकर अपने परम पराक्रम का परिचय दिया कि अन्य अन्य अवस्था से भगवान राम ने सबसे पहले किसको मारा था, तारका को, और भगवान कृष्ण ने सबसे पहले मारा पूतना को। भगवान कृष्ण ने 6 दिन में पूतना का वध किया और भगवान राम ने यौवनावस्था में उसका तारका का वध किया। और उन्होंने तो उसको मारा था तीर कमान से, पर भगवान ने तो अपने होठों से ही पूतना के प्राण लिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण का कितना बड़ा वैशिष्ट्य, कितना बड़ा कि परम ब्रह्म परमेश्वर साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। एक कारण यहाँ पे ये बताते हैं, यहाँ पर कहते हैं कि जब भगवान वामन अवतार में आए थे तो उन्होंने छल से त्रिविक्रम रूप धारण कर बलि महाराज से तीनों लोगों को, सभी लोगों को ले लिया था और अंत में उनको भी बंदी बना लिया था। अब यहाँ पर कहते हैं कि भगवान जब 3 महीने में सशक्ता शुरू करते हैं, उन्होंने अपने किसी भी रूप का विस्तार नहीं किया, उसी अवस्था में जिस अवस्था में वे सबके सामने थे उसी अवस्था में उसका वध किया। ऐसे करके उन्होंने आगे भी जब भगवान नृसिंह अवतार में आए उस समय भी वे बहुत बड़े उग्र रूप में थे, उसमें भी उन्होंने जब हिरण्यकश्यप का वध किया, परंतु भगवान ने यहाँ पर भी जब आगे चलकर नाग के ऊपर उन्होंने जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में उन सबका वध किया, परंतु छोटे रूप में सब कुछ उन्होंने इसलिए दिखाया क्योंकि वे ही कृष्ण भगवान है और उनसे बढ़कर भी अक्षरा और कोई नहीं है। शिक्षा क्या है? ठाकुर जी को छोड़ के जो भी उत्सव करते हैं तो उत्सव नहीं रहता था, ठाकुर जी सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी ठाकुर जी को छोड़ के उन्होंने अनेक कीर्तन किया। ठाकुर जी ने शिक्षा देते हैं कि मुझे जितना भी उत्सव है ठाकुर जी को। हाँ, इसलिए ठाकुर जी ये शिक्षा देते हैं सबसे बड़ा संपद मैं हूँ और मेरे को छोड़ कर क्या कर रहे हैं, जा कर के मेरे को तो रख दिया दूर में, लेटा दिया कहाँ, बैलगाड़ी को नीचे, और सबसे बड़ा संपत्ति मैं हूँ और मेरे को तो लेटा दिया बैलगाड़ी को नीचे, और ये अपने आप सब उत्सव कर रहे हैं। इसका तात्पर्य है अगर हम घर में कोई उत्सव करते हैं, अगर ठाकुर जी को उत्सव से अलग कर दें, तो भगवान क्या कहते हैं, पहले ऐसे ठोकर मारूंगा ना सब तरह सत्यानाश कर दूंगा। इसलिए घर में जो कुछ करें, हैं कोई फेस्टिवल हो, बच्चे का बर्थडे हो, सबसे पहले अपना बेटे को नहीं, सबसे पहले देखो भगवान के लिए कुछ है कि नहीं। भगवान के लिए कपड़ा ला रहे हो, पहले अपना बेटे के लिए नहीं, असली बेटे कौन है, कृष्ण है, पहले ठाकुर के लिए कपड़ा लाओ, उसके बाद में अपना बेटे के लिए कपड़ा लाना है। घर में शादी विवाह हो रहे हैं, देखो ठाकुर जी के प्रसाद के लिए कुछ बोलना कि नहीं, ऐसे नहीं सारा दुनिया को बुलाए उनके लिए खिला रहे हो पिला रहे हो, जिसने दिया वो चुपचाप बैठा हो, उसको भोग भोग में कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए भगवान कहता है अगर ऐसे करोगे ना फिर मैं ऐसे ठोकर मार मैं सब कुछ तुम्हारे सत्यानाश कर दूंगी। इसलिए घर में जो कुछ करे सबसे पहले क्या देखे भगवान के लिए है कि नहीं। इसलिए मैंने एक उदाहरण दिया था, क्या उदाहरण दिया था बोलो, क्या उदाहरण दिया था बोलो, क्या उदाहरण दिया था, महाप्रभु का, महाप्रभु का, जैसे उदाहरण दिया जैसे अपना शरीर को बढ़िया से श्रृंगार करो, हैं अच्छे तरह से अपना शरीर को श्रृंगार करते हुए जब शीशा के सामने खड़े हो जाओगे आप देखना परछाई को श्रृंगार करने का जरूरत नहीं, अपना शरीर को श्रृंगार करो परछाई अपने आप सज जाती है।
इसलिए मूल कौन है? बोले ठाकुर जी है। जितने सुंदर से ठाकुर का सेवा हम करेंगे, ठाकुर जी को श्रृंगार करेंगे, ठाकुर जी का ये करोगे, फिर अपने आप को सजाने का जरूरत नहीं, हम अपने आप सज जाएंगे। इसलिए पहले किसके लिए करो? पहले ठाकुर जी के लिए करो। अगर ठाकुर जी खुश रहेंगे ना, फिर तो परिवार में हम सबके सब उनका आशीर्वाद से सबके सब प्रसन्न रहेंगे। इसलिए कल हम लोग ने ये कथा को सुने थे और 5 मिनट कथा सुन लेते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद में फिर हम एक प्रोग्राम में जाएंगे। उत्कर्ष। इसलिए आज हम सुनेंगे जब कृष्ण 3 महीना में उन्होंने किसका वध किया? उन्होंने शकटासुर को वध किया। जब कृष्ण 1 साल के हो गए, एक दिन मैया यशोदा, जैसे बच्चों को माता ही अपना गोद में लेकर के लाड़ लड़ाती है, हैं? उसको कभी कभी ऐसे ऊपर उछालती है ना, उछाल तो कि नहीं, ऐसे बच्चों को उछालती है। ऐसे एक दिन मैया यशोदा कृष्ण को 1 साल होने पर बड़े सुंदर उसका मुख चुंबन कर रही थी, उनको लाड़ लड़ा रही थी, बड़ी प्यार कर रही थी, हाथ में से उसको ऐसे ऐसे दुला रही थी, कभी ऊपर में फेंक रही थी, पकड़ रही थी। अभी कृष्णा सोच रहे हैं, मैया मेरे को क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी ऊपर उठा रही हैं, और मेरे मन में तो इच्छा होता है कोई एक एरोप्लेन आ जाए और बैठ कर पूरा आकाश में, हाँ, पूरा घूम घाम करके मैं आकाश में आ जाऊँ आकाश से। इसलिए कृष्ण की इच्छा हो रही है, थोड़ा ऊपर में उड़ने के लिए कृष्ण की इच्छा हो रही है। अभी कृष्ण का जो इच्छा शक्ति, जो योग माया है, कृष्ण जो कुछ इच्छा करते हैं, कहते लीला वैसे प्रभु नाही देहानुसंधान, इच्छा जानी लीला शक्ति करे समाधान। इसका मतलब है ठाकुर तो एकदम अपना लीला में ही डूबे रहते हैं, लेकिन ठाकुर जी के मन में जब कोई इच्छा होता है, उनको एक इच्छा शक्ति योग माया कृष्ण की सारी इच्छा को अपने आप पूरी कर देते हैं। कृष्ण की इच्छा किया, कहते मैया मेरे को थोड़ी थोड़ी हैं, थोड़ी थोड़ी ऊपर में उछाल रही है, मैं तो चाहता हूँ थोड़ी और थोड़ा आकाश में उड़ जाऊँ, उड़ करके थोड़ा घूम घाम करके कोई एरोप्लेन आ जाए, बैठ कर घूम घाम करके मैं आ जाऊँ। कृष्ण के मन में ये इच्छा, जब कृष्ण के मन में ये इच्छा हुई, इतने में कृष्ण की जो इच्छा शक्ति ने प्रेरण किया कंस को। कंस ने किया क्या, उन्होंने कि तृणावर्त नाम के दैत्य को उन्होंने भेज दिया। जब तृणावर्त को भेज दिया, इतने में कृष्ण ऊपर में देखा, बोले भैया मामा जी आ गए हैं, क्यों कंस मामा, उनके संबंधी व्यक्ति सबके सब मामा लगते हैं, बोले भैया मामा जी आ गए, जरूर ये कुछ ना कुछ व्यवस्था कर ही देंगे। अभी कृष्ण सोच रहे हैं, अभी तो तृणावर्त मेरे को ऊपर उड़ा करके ले जाएगा, लेकिन मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन मैया क्या करेगी? अगर मैया को उड़ा करके ले गया ना, फिर तो मैया के राम नाम सत्य हो जाएगी। इतने में कृष्ण ने किया कि अपना शरीर को थोड़ा भोजन बढ़ा दिया, भोजन बढ़ा दी, ऐसे मैया को लग रहा था जैसे लोहे का कोई चट्टान है, मैया गोद में उठा नहीं पा रही थी, इतने भोजन हो गया, मैया डर गई। अगर बच्चों का ऐसे हो जाए माता क्या डर जाएगी ना, हे लाला का इतना भोजन कैसे बढ़ गया, मैं गोद में रख नहीं पा रहा, कोई भूत पिशाच पर सवार नहीं हो गया है? इतने में मैया तो रख नहीं पाई, कृष्ण को उन्होंने झट उन्हें नीचे रख दिया। नीचे रख करके ठाकुर को प्रार्थना करने वाले, ठाकुर जी ऊपर दे नारायण, तेने ये बच्चे को दिया है बूढ़ी उम्र में, तुमने ही लाला को रखा करो, पता नहीं लाला को क्या हो गया, इतना भोजन कैसे, कोई भूत पिशाच कर लाला के ऊपर सवार नहीं हो गया। बोले ब्राह्मण को जल्दी जल्दी बुलाओ, ब्राह्मण को बुला करके बच्चे को स्वस्ति वाचन करवाओ, कोई भूत है भूत झाड़ने का कोई मंत्र पढ़वाओ, लाला के शरीर से कोई भूत निकल जाए। इतने में सोच रहे थे, सोचते सोचते इतने में तृणावर्त आ गया है। तृणावर्त आकर के पूरा आकाश मंडल को ऐसे आंधी तूफान जैसे आई है, ऐसे आंधी तूफान चारों तरफ में, यहाँ पर कहते हैं कहते मुहूर्तम अभवत गोष्ठम रजसा तमसा चरणम, पूरा रज को करा मुहूर्त समय के लिए पूरा के पूरा आंधी तूफान चारों तरफ में हो गया। जब हो गया, इतने में तृणावर्त ने कृष्ण को तो पकड़े और पकड़ करके एकदम आकाश में उड़ गए। जब आकाश में उड़ गए, कृष्ण की क्या इच्छा थी, थोड़ा आकाश में घूमा, कोई एरोप्लेन आ जाए आकाश में घूमा। तो यहाँ विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं, कहते विशेष करके कृष्ण की 2 इच्छा थी, कहते पहला इच्छा क्या थी, कहते नभ मंडल विहार, कहते आकाश में पहला इच्छा आकाश में घर भ्रमण करना। दूसरी इच्छा है कहते स्वर्ग में है, कहते स्वर्ग में जो सब अप्सरियां हैं, स्वर्ग जो रमणीय लोग हैं, उनको भगवान चाहे तो उनको भी दर्शन दे।
क्यों कृष्ण जब 6 दिन का थे उन्होंने क्या किया, बाहर निकल आए तो सारे ब्रजवासियों का दर्शन हो गया, लेकिन स्वर्ग के जो देवता देवी को इच्छा भी ठाकुर जी का हम भी थोड़ा दर्शन करें, अभी देवा देवियों को रमणियों को दर्शन दे। इसलिए जब वो आकाश में गए, इतने आकाश में भ्रमण करने पर जितने देवता रमणी सब के सब प्रभु दर्शन कर लिया। अब जब दर्शन कर लिया, ठाकुर का दर्शन हो गया, जैसे एरोप्लेन वो आकाश में उठता फिर लैंड तो करता है ना, अभी कृष्णा सोच रहे अभी लैंड करो है, अभी तो हो गया आकाश में घूम भी गया और सारे देवा देवियों को दर्शन दे दिया, अभी नीचे में उतरो। जब नीचे उतर गए से तब तो यहाँ पर कह रहे हैं कृष्ण, कह रहे मैंने तो उसको मारा ही नहीं, बच्चों का स्वभाव क्या स्वभाव है आप देखना, किसी बच्चे को अगर ऐसे आप उछाल रहे हो, किसी बच्चे को ऊपर उछालते हो, अगर किसी बच्चे को ज्यादा उछाल दो ना क्या होता है, बच्चा डर जाता है, डर जाता है, डर करके पकड़ लेता है। फिर उसी तरह कृष्ण को तो बहुत आकाश में उड़ा करके ले गए, जो उड़ा करके ले गए अभी कृष्ण तो डर गए, कृष्ण डरते हुए उसने तो एकदम उसका गले को उन्होंने पकड़ लिया, और ठाकुर जी किसको पकड़ ले पर छोड़ते हैं है? और उन्हें गले को ऐसे जोर से दबाए पकड़ लिया, अभी तो उसको उन्होंने भी कोशिश किया छुड़ाने के लिए लेकिन छुड़ा नहीं पाए, पहले छुड़ा था ना पुतना भी कोशिश कर रहे थे छुड़ाने के लिए लेकिन छुड़ा नहीं पाए, बोले क्यों, बोले तू मेरे पास में खुद आए और तुमने मेरे को साक्षात गोद में लिया, मैं तब तेरे कभी छोड़ सकता हूँ भैया, मैं मेरे को एक बार कोई मेरे बोल दे ना एक बार केवल ठाकुर तू मेरे और मैं तेरा हूँ, जब तक मैं उसको अपना चरण में स्थान नहीं देता तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं। वो कोशिश कर रहा था कृष्ण को छुड़ाने के लिए लेकिन कृष्ण को छुड़ा नहीं सका है, तो जब तक तेरे को उद्धार नहीं करूंगा तेरे को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन गला उन्होंने ऐसे दबाए घोट दिया उनके गले को, एकदम प्राण वायु निकल गया। इतने में उसने वहीं से एक पत्थर को चट्टान के ऊपर गिरा, जब उसने गिरा तो एकदम छत हो गया। तो यहाँ पर उदाहरण देते हैं कैसे, जैसे शंकर जी अपना बाण से कहते त्रिपुरा असुर को जैसे उन्होंने वध किया त्रिपुरा असुर को, ऐसे ही उन्होंने पूरा एकदम उसका शरीर एकदम छिन्न भिन्न हो गया। लेकिन जब उनको उड़ा करके ले गया, मैया जब देखा थोड़ी समय के लिए तो आंधी तूफान आ गया, लेकिन जब आंधी तूफान कम कर मेरे लाला कहा, मेरे लाला तो कहीं लेटा था, लाला कहाँ गया, कहते जैसे एक बछड़े है, जैसे माँ किसी गैया से जैसे बछड़े को अलग कर देने पर जैसे उसको माँ जैसे बिलखते बिलख करके रोती है, ऐसे ही मैया तो बिलख बिलख करके रो रही थी, मेरे लाला कहाँ चला गया, मेरे लाला कहाँ चला गया, मेरे लाला क्या हो गया, यहीं पर तो सुला कर रखा था। इतने में थोड़ी देर में देखती है दूर एकदम मर कर गिरा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कहते हैं कभी यहाँ पर कृष्ण ने कल 1 साल है कृष्ण का, ज्यादा साल नहीं, कृष्ण का 1 साल, लेकिन उन्होंने अपना ऐश्वर्य तो प्रकटित किया है, लेकिन ब्रजवासियों के अंदर में कृष्ण जितने ऐश्वर्य दिखाने पर भी इनको कभी विश्वास नहीं होता है कि भगवान है। जितने कृष्ण बड़े से बड़े उन्होंने पराग, कभी बुराई मत करो हैं, कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो दूसरों को बुराई करता है ना उसका बुराई अपने आप होता है, जो दूसरा का अमंगल सोचता है उसका अमंगल कौन सोचते हैं, ठाकुर जी सोचते हैं। इसलिए ब्रजवासी कह रहे हैं भैया इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बालक है ना बच्चे, बच्चों को तो अच्छा बुरा कुछ ज्ञान है ही नहीं, और इनका बुराई जिसने सोचा इसका बुराई हमारे लाला कुत्ता कर ले गया उसका बुराई किसने सोचा, नारायण ने सोचा, इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, अगर कभी किसको बुराई सोचोगे तो उसका बुराई सोचने वाले श्री ठाकुर जी है। इसलिए फिर कृष्ण को गोमूत्र से गोबर से भगवान को स्नान कराया, फिर झाड़ा लगवाया, ठाकुर जी को झाड़ा लगवाया करके शांत उन्होंने किया है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं इसके इसमें शिक्षा का विषय क्या है, हैं? इसमें शिक्षा का विषय क्या है, ये तृणाव्रत का मतलब क्या होता है, कहते वृद्धा पांडित्याभिमान, जो लोग झूठे अपने को अपनी आप को बड़ा पंडित समझते हैं और बिना कारण के जो शुष्क जुक्ति तर्क हैं, ये जो तर्क वितर्क करते हैं, जैसे थोड़ी समय के लिए जैसे वहां पर एकदम अंधकार छा गया, इसलिए कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना बिना कारण के तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं, तर्क अप्रतिष्ठानार्थ, भगवान की भक्ति जगत में तर्क काम नहीं चलता है। इसलिए कोई सोचता है ना हम तो तर्क वितर्क करके भगवान को समझ लेंगे, लेकिन शास्त्र कहता है भैया तर्क ठाकुर का भक्ति में तर्क नहीं चलता है, ये तो अनुभूति का विषय है।
है, वो तो अनुभूति का विषय, भक्ति अनुभूति का विषय, भक्ति तर्क का विषय नहीं है। इसलिए जो लोग तर्क वितर्क करते हैं या तो उनको तृणा वर्त उनको ही कहते हैं, जितने पाखंड मत, जितने तरह का पाखंड मत है, हैं, कहते ये सबके सब ये तृणा वर्त हैं। इसलिए कभी भी पाखंड मत को, पाखंड मत होता है शास्त्र विरुद्ध मत इसको कहते हैं, यही तृणा वर्त है। इसलिए कृष्ण क्या करते हैं, ऐसे जो पाखंड मत जो शुष्क तर्क वितर्क को भगवान जैसे तृणा वर्त को वध किया है, उसी तरह ऐसे उनको भी वध करते हैं। इसका और एक अर्थ करते हैं कि जैसे थोड़ी समय के लिए वहां पर क्या हुआ, एकदम आंधी तूफान आ गया, पूरा चारी तरफ में आंधी तूफान हो गया। आप लोग देखिएगा जो भगवान की भक्ति करते हैं, कभी कभी हमारा जीवन में भी ये आंधी तूफान आ जाते, इसलिए आंधी तूफान को सावधान रहनी चाहिए। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त थे जिनका नाम था श्रीवास पंडित, एक दिन महाप्रभु स्वयं उनके घर में, इस चीज को अच्छे तरह समझो, भगवान स्वयं जिसके घर में कीर्तन कर रहे थे, ठाकुर जी कौन थे, महाप्रभु, महाप्रभु कौन है, स्वयं कृष्ण राधा रानी मिल करके वहां पर स्वयं नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु कौन, दाऊद भैया, साक्षात गदाधर पंडित, ये कौन, स्वयं राधा रानी, स्वयं अद्वैत आचार्य, ये कौन, सदाशिव, कहते श्रीवास पंडित कौन, बोले नारद। जितने भक्त लोग जिनके घर में कीर्तन कर रहे, हरि कीर्तन हो रहे, रात भर प्रभु का कीर्तन हो रहे, लेकिन उनका एक लौता बेटा था, तो बेटा ने शरीर छोड़ दिया। जब शरीर छोड़ दिया, एक घर में कीर्तन हो रहे हैं, दूसरे घर में बेटा ने शरीर छोड़ दिया, घर के जितने माताएं बैठ कर रोने लग गई। जो रोने लग गए, इतने में श्रीवास पंडित को कान में रोने की आवाज आई, बोले ये रोने का आवाज कहाँ से आ रही, तो उन्होंने कीर्तन को प्रणाम करके दिए, वहां पर गए, देखा, बोले भैया क्यों रो रहे, बोले तेरा एक लौता संतान था, इसने शरीर छोड़ दिया, ये मारा गया है, बोले मर गया तो तुम क्यों रो रहे हो, ये मर गया तो तुम, बोले तुम्हारी अकेला बेटा था, मर गया तुम रो रहे हो, देखो उनका कितना विचार है। बोले बेटे को दिया किसने, बोले बेटे को दिया किसने, ठाकुर ने दिया, लिया किसने, ठाकुर ने दिया, ठाकुर और लिया ठाकुर, तो बीच में क्यों रो रहे हो, देखो उनका कितना सुखद विचार, दिया ठाकुर और लिया ठाकुर, फिर बीच में तुम क्यों रो रहे हो, देखो इसका कितना सौभाग्य, एक दिन मरना, एक दिन तो मरना ही, और जहां पर साक्षात भगवान नृत्य कीर्तन कर रहे, साक्षात ठाकुर कृष्ण बलदेव प्रभु राधा रानी स्वयं अद्वैत आचार्य स्वयं श्रीवास पंडित, जहां पर इतने सारे भक्त कीर्तन कर रहे हैं, और इसने ठाकुर का कीर्तन सुनते सुनते, और जहां पर ठाकुर जी स्वयं, इतना सौभाग्य किसको होगा। मैं तो चाहता हूँ एक दिन तो मरना ही है, लेकिन ठाकुर जी का कीर्तन सुनते सुनते ठाकुर के सामने अगर शरीर छूट जाए तो इससे बढ़िया बात कुछ हो सकता है, कितने सौभाग्य को, खबरदार रोना नहीं, रोना धना चुप रहो, अगर तुम्हारी रोना धना सुन करके अगर महाप्रभु का कीर्तन में कोई बाधा होगा ना, बेटा तो गया ही गया, मैं भी अपना प्राण त्याग दे, मैं भी गले में कले से बात करके गंगा में मैं भी छलांग लगाकर आत्महत्या करूंगा, इसलिए खबरदार महाप्रभु का कीर्तन में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। उन्होंने वहां से आए, जब उन्हें डांट लगाए ना, माताएं तो चुपचाप हो गए, लेकिन मन मन में थोड़े थोड़े रो रहे थे, लेकिन इधर आकर के पहले जितने खुश थे ना, अभी उससे भी ज्यादा खुश होकर जोर जोर से नाच रहे। लेकिन महाप्रभु तो भगवान सब जानते हैं, उन्होंने बोले आज मेरे मन में आनंद नहीं आ रहा, लगता है इनके घर में कोई अनहोनी हो गई। इतने में बोलते ही ना, कहते जो श्रीवास पंडित वो तो एकदम छलांग लगा दिए, बोले प्रभु आप क्या बता रहे हो, जहाँ साक्षात आप वैकुंठपति हैं बलदेव प्रभु जहाँ राधा रानी, वहाँ कभी अमंगल कभी हो सकता है, कभी अमंगल हो ही नहीं सकता, हम कितना मंगल भवन है, अमंगल हरि ठाकुर जी है, वहाँ कभी अमंगल हो ही नहीं सकता है। इतने में अद्वैत आचार्य बोले प्रभु श्रीवास का जो एक लौता जो एक बेटा था उसने शरीर छोड़ दिया, और इतना सुनते ही महाप्रभु तो रोने लग गए। तो महाप्रभु कहते हैं पुत्र स्वरूप ना जानी लो मोजे महारा प्रेमे एमत संगम छाड़ी बके बने। तो क्या महाप्रभु कह रहे हैं, कहते मेरे प्रीति के लिए अपना बेटा का जो दुख जो शोक को जो शोक नहीं माना ऐसे संग को महाप्रभु कुछ दिन बाद में संन्यास लेकर के जाएंगे। महाप्रभु सोच रहे ऐसे भक्तों का संग में कैसे परित्याग करूं, भक्त लोग समझ गए महाप्रभु अब ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, महाप्रभु संन्यास लेने वाले। महाप्रभु आए,
हाँ करके जो बच्चा शरीर छोड़ दिया था ना, बोले तो चलो चलो चलते हैं। महाप्रभु आए, उसका छाती पर हाथ रखते, फिर बेटा दोबारा जिंदा हो गया। भगवान है ना, वो ईश्वर है। ईश्वर का मतलब क्या है? जो है को नहीं, नहीं को जो है कर सकते। हाथ रखते ही बेटा फिर जिंदा हो गया। जब जिंदा हो गया, महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं, बोले बेटा तो कहाँ चला गया, क्या बात है, क्यों गए? बेटा स्वयं कह रहे, बोले प्रभु मैं कितना सौभाग्यवान गया है, आपका भक्तों के घर मेरा जन्म हुआ है, और बचपन से आपको दर्शन, आपकी संतों की संग, आपकी कीर्तन सुनने का सौभाग्य हुआ। आप जितने दिन तक मेरे को यहाँ रखे थे तब तक मैं निराहा, आपने जहाँ मेरे को भेज दिया मैं वहीं चला गया, लेकिन कोई दुख की बात नहीं, मैं जहाँ गया हूँ मैं बड़े आनंद पूर्वक, मैं वहां पर बड़े आनंद पूर्वक में रहता हूँ। इसलिए फिर वो बच्चा कहता है, मेरे कौन किसका पिता, कौन किसका बेटा, इधर धर्मशाला का संबंध है, ये एक धर्मशाला के संबंध है। जैसे धर्मशाला में रात को लोग सब सब रुकते हैं और खूब गप्पे मारते, तुम कहाँ से आए, बोले मद्रास, तुम बम्बे, कलकत्ता, बस रात को खूब गप्पे मारे, सवेरे होते गए, सवेरे होते ही चले गए। ठीक, ये संसार भी एक धर्मशाला है, हैं, और कुछ नहीं है कि धर्मशाला में रुके हुए हैं और अपना परिवार में सब गप्पे मार रहे हैं, और जिसका समय आएगा ना उसको यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ से उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी तत्व ज्ञान की बात उन्होंने बताई है, कोई किसका पिता माता, कोई बंधु बांधव नहीं। जो उन्होंने बोले महाप्रभु, बोले इसको जिंदा रख दो, महाप्रभु बोले इसको जिंदा रख दो, बोले प्रभु खुद कह रहा है मैं जहाँ पर मैं खुश हूँ, अपने जहाँ भेजा है ना मैं प्रसन्न हूँ। जब ये स्वयं प्रसन्न स्वयं कहते हैं, फिर इसको क्यों लाए, एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। वो स्वयं कहते हैं आपकी कीर्तन सुनते सुनते दर्शन करते करते शरीर छोड़ा, तो फिर इससे बढ़िया क्या हो सकता है, कुछ जरूरत नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो साधना भजन कहते हैं, कभी कभी थोड़ी समय के लिए संसार में बड़े अनुभवी हो जाता है, लेकिन उसी समय में अपना मन को स्थिर करके रखना बड़ा कठिन होता है, स्थिर करके रखना बड़ी है। हमने देखा तो कोई व्यक्ति घर में ठाकुर भागुर पूजा कर रहे थे, उनका कोई अपने बेटा शरीर छोड़ दिया, जितने ठाकुर का फोटो ठाकुर था ना उठाया घर से और मेन रोड में फेंक दिया, उसने निकाल करके ना उसको मेन रोड में सब फेंक दिया। अरे तुमको पूजा सेवा इसलिए कर रहा था, तुमने एक बेटे को मेरे ले लिया है, मेरे बेटे को तुमने ले लिया है, है? इसलिए हमारे बंगाल में ऐसे कोई भक्त थे, उनको ये संसार एक समय बंगाल में एक भक्त थे, जब उनके एक भक्त थे, उनका पत्नी थी, बच्चे भी थे, लेकिन क्या हुआ, उनको पत्नी भी शरीर छोड़ दिया, उनका बच्चा भी शरीर छोड़ दिया। जब शरीर छोड़ दिया, एक दिन इनकी कोई तबीयत खराब ठीक याद नहीं, तब उन्होंने ठाकुर को पोगरा, ठाकुर को सेवा पूजा कौन करेगा, ठाकुर जी को हैं सेवा पूजा कौन करेगा। तब वो ठाकुर बड़े बड़े संत थे, ठाकुर जी ने कहा तुम मेरे सेवा पूजा नहीं करोगे, बोले मैं क्या करूँगा, मेरा एक बेटा था तुमने ले लिया, एक पत्नी थी वो भी शरीर छोड़ दिया, अरे बता तेरे सेवा कौन करेगा। वो भगवान कह रहे हैं बेटा तो तुमने ले लिया है, पत्नी थी उसको भी चली गई, लेने वाले तो तू ही है ना, हम कहते ना उसकी इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं मिलता है, तुमने तो लिया, अभी तेरे भोग रहा तेरा सेवा कौन, हम नहीं कर सकते है। इसलिए अभी मैं मरने के बाद मेरे पिंड कौन देगा, बता मेरा बेटा तो चला गया। ठाकुर स्वयं कहते हैं, बोले मैं हूं ना, मरने के बाद मैं भी तेरा पिंड में मैं स्वयं पिंड प्रदान करूंगा। इसलिए ठाकुर जी उनके लिए पिंड प्रदान करते, बंगाल के ठाकुर जी है, उनका मेरे याद थी, इस कथा नहीं आता, उनका मुंह भी ऐसे टेढ़ा है, मतलब किसी कारण से बहुत उसी लंबी कथा मेरी याद नहीं आ रही, बहुत ठाकुर जी स्वयं उनको सारे क्रियाकर्म ठाकुर जी किया है। इसलिए हमारे विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं हर कोई सारा जीवन ठाकुर का सेवा पूजा करे ना, जो असमर्थ हो जाता है उसको सेवा ठाकुर को करना पड़ेगा, क्यों, तो सारा जीवन ठाकुर को सेवा किया है। इसलिए भगवान को विश्वास पूर्वक ठाकुर जी की सेवा पूजा हमें करनी चाहिए। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, गौर प्रेमानंद। अभी हम लोग किसी प्रोग्राम में जाएंगे, सब रेडी, बच्चे सब रेडी हो जाओ, जल्दी जल्दी आरती कर देते, जल्दी फटाफट आरती करो। बोले हरे कृष्णा। हाँ आज कौन कौन आए थे दोपहर में, हाथ उठा, कौन कौन आए थे, कौन कौन आए थे, सब आए थे, जो नहीं आए थे कल भी आना, कल भी सेमिनार है, कितना बजे, हाँ
11 बजे कल सेमिनार है, सब बच्चों को जो जो नहीं आ पाए सब बच्चों को लेकर के सबके सब आना। आज अच्छी आप लोग कथा जी अच्छी लगी है, समझ रहे थे कि नहीं है, समझ रहे थे सबके सब ठीक है, इसलिए कल सबके सब सबको लेकर के सबके सब कल आना अपना जितने बाल बच्चों को सबके सब ठीक है। बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 और ये श्रृंगार हमारे सामनंद प्रभु ने क्या है ये सामने खड़े देख लो, दर्शन करो सामनंद प्रभु का। और ये जगन्नाथपुरी के रहने वाले जो सामने खड़े दर्शन करो सामनंद प्रभु जी को, जय सामनंद महाराज की जय। बात भी नहीं करे मेरे से फूल को बना के लिए रात भर सोए नहीं, बिना सोए इतना परिश्रम किया है।
Thank you.
बाद।